तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्कर विनिंग मूवीज 2011 से लेकर 2019। हमारे प्रीवियस वीडियो में बात किया था ऑस्कर विनिंग मूवीज जो है 2001 से लेकर 2010। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी रुकते वीडियो को शुरू करते हैं। 2011 की ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम है द आर्टिस्ट। डेढ़ घंटे की इस कॉमेडी ड्रामा रोमांस मूवी को IMDb ने 7.9/10 दिए। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होता है। यंग एक्ट्रेस पेपी मिलर एक साइलेंट फिल्म स्टार जॉर्ज वैलेंटाइन से प्यार हो जाता है, पर धीरे धीरे पेपी मिलर फेमस हो जाती है और जॉर्ज वैलेंटाइन की कैरियर डूब जाता है। 111 करोड़ की मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 985 करोड़ की कलेक्शन की है। 2012 की ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम है आर्गो। दो घंटे की इस बायोग्राफी ड्रामा थ्रिलर मूवी को IMDb ने 7.7 की रेटिंग दी हुई है। कहानी शुरू होता है 6 अमेरिकन्स के रेस्क्यू ऑपरेशन से और उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने के लिए एक CIA एजेंट मेंडेज, जिस रोल में बेन अफ्लेक नजर आएंगे, मतलब हमारे बैटमैन, जो एक फेक साईफाई फिल्म प्रोड्यूस करते हैं उन 6 अमेरिकन्स को बचाने के लिए। 326 करोड़ की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1719 करोड़ की कलेक्शन की है। 2013 की ऑस्कर विनिंग मूवी के नाम है 12 इयर्स ए स्लेव। दो घंटे की इस बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री मूवी को IMDb ने 8.1 की रेटिंग दी है। मूवी बेस्ड है सोलोमन नॉर्थअप के लाइफ के ऊपर, जो एक अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं। दो आदमी उन्हें वाशिंगटन डीसी में जॉब देने के लिए प्रॉमिस करते हैं, पर जब वो वाशिंगटन डीसी में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वो दो आदमी उन्हें गुलामी करने के लिए भेज दिए हैं। 148 करोड़ की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1385 करोड़ की कलेक्शन की है। 2014 की ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम है बैटमैन। दो घंटे की इस कॉमेडी ड्रामा मूवी को IMDb ने 7.7 की रेटिंग दी है। फिल्म बेस्ड है रीगन थॉम्पसन के ऊपर, जो कि हॉलीवुड के एक डिफ्यूज सुपर हीरो बैटमैन के रोल के लिए फेमस हैं। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए वे एक शॉर्ट स्टोरी में लिखने और एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, पर उस दौरान उनकी कोस्टार इंजर्ड हो जाता है। 133 करोड़ इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 763 करोड़ की कलेक्शन की है। That's what 2015 की ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम है स्पॉटलाइट। दो घंटे की इस बायोग्राफी क्राइम ड्रामा मूवी को IMDb ने 8.1 की रेटिंग दी है। ये मूवी एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है, जहां पर अमेरिका के एक ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर बोस्टन ग्लोब स्पॉटलाइट नाम की एक टीम तैयार करती है, जो कि एक चाइल्ड सेक्स अब्यूज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इस फिल्म में मार्क डफालो, मतलब हल्क, में नजर आएंगे। 148 करोड़ की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 726 करोड़ की कलेक्शन की है। 2016 की ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम है मूनलाइट। डेढ़ घंटे की इस ड्रामा मूवी को IMDb ने 7.4 की रेटिंग दी है। तो कहानी बेस्ड है यंग अफ्रीकन अमेरिकन मैन के ऊपर, जहां पर लाइफ के 3 स्टेजेस के ऊपर दिखाया गया है और उस दौरान अपनी सेक्सुअलिटी और आइडेंटिटी को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम में पड़ता है। 8 करोड़ की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 481 करोड़ की कलेक्शन की है। 2017 की ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम है द शेप ऑफ वाटर। दो घंटे की इस एडवेंचर ड्रामा फैंटेसी मूवी को IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है। ये मूवी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कैसे एक रिसर्च सेंटर में लाया गया एक क्रिएचर और उसी में काम करने वाली एक लड़की एलिसा, उन दोनों के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप बनता है, उसी के ऊपर बेस्ड है। 148 करोड़ की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1444 करोड़ की कलेक्शन की है। 2018 की ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम है ग्रीन बुक। दो घंटे की इस बायोग्राफी कॉमेडी ड्रामा मूवी को IMDb ने 8.2 की रेटिंग दी है। ये मूवी बेस्ड है 1962 के एक ट्रू स्टोरी पर, जहां पर कैसे एक इटालियन अमेरिकन बाउंसर टोनी लिप वर्ल्ड क्लास अफ्रीकन अमेरिकन पियानिस्ट डॉन सिल्ली के ड्राइवर बनता है, उसी के ऊपर बेस्ड है। 170 करोड़ की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 2423 करोड़ की कलेक्शन की है। 2019 की ऑस्कर विनिंग मूवी का नाम है पैरासाइट। दो घंटे की इस कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी को IMDb ने 8.6 की रेटिंग दी है। ये एक कोरियन मूवी है, जो कि बेस्ड एक पुअर और रिच फैमिली के बीच में, और वो पुअर फैमिली कैसे धीरे धीरे करके उस रिच फैमिली में काम करती है और कौन सी मुसीबत में पड़ती है, उसी के ऊपर बेस्ड है। 81 करोड़ की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1956 करोड़ की कलेक्शन की है।